हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं गाइस एंड गर्ल्स? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूँ आपके 19th कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वायरलेस नेटवर्क्स कितनी किस्म के होते हैं और वायरलेस नेटवर्क्स किस तरह कम्युनिकेट करते हैं और हम वायरलेस नेटवर्क्स को किस तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम दो किस्म के वायरलेस नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला जो है टाइप है वो है एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स की, ठीक है जी। और जो दूसरी टाइप है वो IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का जो स्टैंडर्ड है उसको यूज करते हुए जो नेटवर्क हम वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो स्टैंडर्ड है 802.1.11 और आगे इसका एक्स, यानी कि इसके डिफरेंट फ्लेवर्स या वर्जन्स अवेलेबल हैं, जो कि जिसमें से हम वर्जन ए, वर्जन बी, जी और एन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरह एस्टेब्लिश करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स बनाना बहुत आसान होता है दोस्तों। उसके लिए आपको सिर्फ दो या दो से ज्यादा ऐसे डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसमें वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हो। तो लेट सपोज हमारे पास दो लैपटॉप्स हैं और उन लैपटॉप्स के जरिए हम आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम उनके दरमियान डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि हम कोई वायर यूज करें, और अगर इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स लगे हुए हैं तो हम डायरेक्ट इनके दरमियान एक एडहॉक नेटवर्किंग के जरिए एडहॉक नेटवर्क कायम कर सकते हैं। और फिर ये दो लैपटॉप्स या दो से ज्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी। तो एडहॉक वायरलेस नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है। और बेसिकली आप अपने, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज में नेटवर्किंग के आइकॉन के अंदर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बेसिकली, लेट सपोज आप कहीं पे ऑफिस में हैं या आप स्कूल में हैं और आप अपने दोस्तों के साथ या कोलीग्स के साथ डेटा शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडहॉक नेटवर्क बना सकते हैं। तो दोस्तों, एडहॉक नेटवर्क्स के लिए अभी इतना ही और अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने 802.11 स्टैंडर्ड की तरफ। और हम देखते हैं कि हम इस बेसिकली स्टैंडर्ड को यूज करते हुए वायरलेस नेटवर्क्स किस तरह बना सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई भी वायरलेस नेटवर्क बनाना हो तो उसके लिए आजकल जिस तरह हमारे घरों में वायरलेस राउटर्स होते हैं, हमें उनकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस वर्जन के वायरलेस नेटवर्क के लिए हमारे पास एक वायरलेस राउटर होना चाहिए, ठीक है जी। और इस वायरलेस राउटर को हम, या ये स्विच भी हो सकता है, लेकिन इस वायरलेस राउटर को आप नेटवर्किंग की टर्म में एक्सेस पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इसके साथ बेसिकली इस वायरलेस राउटर के साथ हमारे पास अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होनी चाहिए, जिसमें हमारे लैपटॉप भी हो सकते हैं, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं जो कि वाईफाई के ऊपर कम्युनिकेट कर सकें, हमारे टैबलेट पीसीस भी हो सकते हैं। तो ये एक्सेस पॉइंट्स और ये जो हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं इनको, यानी कि हम नेटवर्किंग की टर्म में हमें पता है कि इनको नोड्स कहते हैं या फिर स्टेशंस कहते हैं, ठीक है जी। आप इनको नोड्स या स्टेशंस के नाम से जान सकते हैं। और वाईफाई यानी कि वायरलेस यानी कि हवा में कम्युनिकेशन करते हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये यानी के डिफरेंट,
और जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कम्युनिकेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वाईफाई चैनल भी अवेलेबल होना चाहिए। और बेसिकली चैनल आप समझ लें कि ये हमारे जो होम बेस्ड नेटवर्क्स होते हैं या स्मॉल ऑफिस बेस्ड नेटवर्क्स होते हैं, वो इस तरह के वाईफाई नेटवर्क्स जो हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी और इस पे बेसिकली ये वायरलेस राउटर्स और वायरलेस नेटवर्क ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा बेसिकली ये इन चैनल्स के साथ साथ बेसिकली जो हमारा वायरलेस राउटर होता है उसका एक SSID होता है। क्योंकि देखें, एक ही जगह पे डिफरेंट, आप जब अपनी डिवाइस को ऑन करते हैं तो वो डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क्स को डिटेक्ट करती है, तो वो जो डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क्स के नाम नजर आते होते हैं वो बेसिकली हमारे उनके SSIDs होते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है जी। और ये 32 कैरेक्टर यूनिक नेम होता है और हर एक SSID बेसिकली एक वायरलेस नेटवर्क को दूसरे वायरलेस नेटवर्क से डिफरेंशिएट करता है। तो इन राउटर्स के एक्सेस करने के लिए, इस वाले एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करने के लिए हमें इसका SSID पता होना चाहिए, इसके साथ हमें उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। तो एक सिंपल वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए जो 802.11 स्टैंडर्ड को यूज करते हैं, हमारे पास एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, स्टेशंस होने चाहिए, चैनल्स होने चाहिए और बेसिकली ये चैनल्स 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के जो है वो ऑपरेट करते हैं। और बेसिकली अगर एक से ज्यादा हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास थोड़ा बड़ा नेटवर्क है और हमारे पास एक से ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली इस तरह के नेटवर्क को हम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहते हैं इन वायरलेस नेटवर्किंग टर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, STRU, भाई मुझे नहीं याद आ रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, मेरे ख्याल से स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं। तो जब एक से ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स हो जाएं तो फिर हम उस किस्म के नेटवर्क को इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा 802.11 वायरलेस लैन एस्टेब्लिश करने के लिए स्टैंडर्ड है उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 802.11a। ये जो स्टैंडर्ड था ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट नहीं करता था, ये 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता था। और बेसिकली इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट था, फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, और इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट था वो था 54 megabits per second। और बेसिकली क्योंकि ये 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है या करता था, इस वजह से ये दूसरे नेटवर्क्स जो कि आमतौर पे 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के आसपास ऑपरेट करते हैं उनके साथ कंपेटेबल नहीं था, इसीलिए ये शॉर्ट लिव्ड स्टैंडर्ड था। इसके बाद जो स्टैंडर्ड मशहूर हुआ वो था IEEE का 802.11b। ये जो हमारा स्टैंडर्ड था ये 1997 में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना और ये मैं आपको बता चुका हूं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। और 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या बैंड को हम आमतौर पे इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल बैंड कहते हैं, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल, मैं लिख देता हूं, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल बैंड, इसके ऊपर ये ऑपरेट करते हैं। और हमारा जो होम नेटवर्क्स हैं वो भी इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल बैंड जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं उस पर ऑपरेट करते हैं। और ये भी आपका इसका डेटा ट्रांसफर रेट कितना था और है, बल्कि अभी भी कुछ नेटवर्क्स इसको यूज करते हैं, वो है 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। और इसके अलावा ये यानी कि 1, 2 और 5
1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट पे भी काम करता था इसके डिफरेंट फ्लेवर्स। इसके बाद दोस्तों थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई और हमारे पास 802.11G जो कि काफी पॉपुलर हुआ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना वायरलेस नेटवर्क्स के लिए, और ये बेसिकली ये भी 54 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट पर ऑपरेट करता था, और यानी कि ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे ऑपरेट करता रहा। और इसके बाद जिस तरह हमारे एप्लीकेशन जो है वो बैंडविड्थ को ज्यादा कंज्यूम करने लगी, तो एक नया स्टैंडर्ड 2009 में IEEE ने इंट्रोड्यूस किया जो कि कहलाता है 802.11n। ठीक है जी, और ये स्टैंडर्ड जो है ये फ्रॉम 54 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 600 मेगाबिट्स पर सेकंड के डेटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड कर सकता है, और ये एक टेक्निक यूज करता है जिसको हम मीमो कहते हैं। मीमो जी? ओ नहीं जी, मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ठीक है जी, यानी कि डिफरेंट एंटीनास को यूज करते हुए ये 600 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट को अचीव कर सकते हैं, और ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट करता है। तो मैं बता चुका हूं कि बेसिकली जो 2.4 गीगाहर्ट्ज है के इर्द गिर्द जब मैं कहता हूं कि ऑपरेट करता है, तो इसका मतलब कि डिफरेंट आपके पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं इस चैनल की जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का होता है, और इसमें डिफरेंट चैनल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं 1, 2। जब आप अपना राउटर को ओपन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह चैनल्स हमारे पास होंगे। जो क्लियर चैनल्स होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के आसपास, वो होता है चैनल 1 जो कि 2.412 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, चैनल हमारे पास 6 जो कि जिस FM रेडियो डिफरेंट नहीं होते 99.9, 100, 100, 101.1 इसी तरह ये भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं, ये ऑपरेट करेगा 2.4367 गीगाहर्ट्ज के जो चैनल 6 है, और चैनल 11 जो है वो 2.462 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारा 802.11 वायरलेस नेटवर्क का जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, और अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा वायरलेस नेटवर्क पे कम्युनिकेशन किस तरह होती है। उसके लिए जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं CSMACA। ये इससे क्या बनता है, ये है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है जी, कैरियर सेंस यानी कि वो सेंस करते हैं आपस में डिफरेंट डिवाइसेस के कम्युनिकेशन करें कि ना करें, और ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और CA से क्या बनता है, कोलिजन अवॉइडेंस, और वो कोशिश ये करते हैं कि वो आपस में कोलिजन को अवॉइड करें। तो अब हम देखते हैं कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस स्टैंडर्ड को यूज करते हुए वायरलेस नेटवर्क्स में डिवाइसेस या स्टेशन किस तरह ऑपरेट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो नेटवर्क के ऊपर दो लैपटॉप्स हैं, दैट्स अ फनी लुकिंग लैपटॉप, सॉरी ये थोड़ा अच्छा लैपटॉप है जी। तो अब इस जो हमारे पास ये सेंडर है, इसने हमारे रिसीवर को कुछ डेटा भेजना है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको RTS एक सेंड करेगा। RTS सिंपल रिक्वेस्ट टू सेंड होता है, वो इसको पूछता है क्या मैं तुम्हें सेंड कर सकता हूं। अगर तो ये लैपटॉप जो रिसीवर है ये बिजी नहीं है तो ये इसको एक सिग्नल सेंड करेगा जो कि कहलाता है CTS, जिसका मतलब है क्लियर टू सेंड, यस यू कैन सेंड मी एनीथिंग, मैं रिसीव कर सकता हूँ। उसके बाद जो है हमारा जो सेंडर है वो हमारे जो डेटा है वो हमारे रिसीवर को सेंड कर देगा। एक दफा जब रिसीवर इस डेटा को अच्छी तरह रिसीव कर लेगा तो ये
एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा कि मुझे आपका डाटा सही तरह मिल चुका है और इस सर्विस के लिए हमारी कम्युनिकेशन पूरी हो जाएगी। और अगर रिसीवर जो है वो CTS ना सेंड करे तो सेंडर अज्यूम करता है कि कोई कोलिजन हो गई है और वो थोड़ी देर बाद इसको फिर से RTS सेंड करेगा और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो बेसिकली हमारे वायरलेस नेटवर्क्स जो 802.11 जो ऑपरेट करते हैं वो उसमें कम्युनिकेशन बेसिकली इस तरह होती है। और अब थोड़ी सी बात हम वायरलेस लैन सिक्योरिटी के ऊपर कर लेते हैं, WLAN सिक्योरिटी के ऊपर। और बेसिकली अगर आप अपना राउटर को ओपन करें तो आपको बेसिकली उसके इंटरफेस को ओपन करें तो आपको तीन किस्म के सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं। सबसे पहले होता है WEP, उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है WPA और थर्ड ऑप्शन होती है WPA version 2। तो WEP जब हमारे पास IEEE 802.11.11 का स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसके साथ एक वायरलेस बेसिकली सिक्योरिटी के लिए आपको स्टैंडर्ड दिया गया था जिसका नाम था WEP वायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इसको वायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी कहा तो गया था लेकिन ये काफी वीक स्टैंडर्ड था और ये इंडस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं चल सका, लेकिन ये आजकल के राउटर्स अभी भी प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड किस्म का हमारे पास सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड है वो है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है जी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA ये 2003 में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था और ये डिफरेंट किस्म के वायरलेस नेटवर्क्स के इंटरऑपरेटेबल था, यानी कि डिफरेंट किस्म के वायरलेस नेटवर्क्स इसको यूज कर सकते थे। इसका वर्जन 2 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आज भी यूज हो रहा है और ये बेसिकली 802.11i के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स के कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में वायरलेस राउटर को हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं उस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको WLAN के बारे में मजीद मालूमात चाहिए हैं तो प्लीज ifactner.com को विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें और मुझे सब्सक्राइब करें। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।